हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आज की ये प्यारी सी वीडियो हमारे फार्म पे जो डोरमेंट पपीज हो रखे हैं उनके ऊपर हैं। आप देख सकते हो बहुत शैतान बहुत नटखट हैं ये, और इनकी जो मदर है वो टीना है। टीना हमारे फार्म की ही फर्स्ट जनरेशन की डोबरमैन है। इसकी जो मदर है हमारे फार्म की, हमारे अपने घर की है, उसका नाम लूसी है। और ये जो डोबरमैन के बच्चे हैं वैसे तो साइज़ में बहुत छोटे हैं अभी, क्योंकि इनकी एज अभी 25 डेज़ की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चंचल और क्यूट हैं। आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, और खाने के लिए तो इतने पागल हैं ये, इनको बस खाना खिलाया जाओ अनलिमिटेड ये खा सकते हैं। ये इनके फादर हैं, इनका नाम थैनोस है, ये यूरोपियन लाइन के हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा आपको डोरमेंट ब्रीड के बारे में बता दूं। इस ब्रीड का जो ओरिजिन है वो यूरोप का है, जर्मनी का। कार्ल लुइस डोबरमैन एक शख्स थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। क्यों इन्वेंट किया था? क्योंकि वो खुद वसूलिया काम करते थे, उनके धंधे में काफ़ी रिस्क रहता था, तो उसके लिए उन्होंने सिक्योर डॉग चाहिए था उनको। तो सिक्योर डॉग के लिए उन्होंने 3-4 ब्रीड को मिलाकर इस ब्रीड को बनाया था। कोई आज तक प्रूफ के साथ नहीं कह पाया कि कौन कौन सी वो ब्रीड थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूँ, रोटवाइलर और आपका जर्मन शेफर्ड, जर्मन पिंस्टर, ग्रेट डेन जैसी ब्रीड को मिलाकर इस ब्रीड को बनाया गया था। और सारी ब्रीड की ओबीडियंस इसके अंदर है। पर्सनली मैं इसे 3 साल से मेरे पास डोबरमैन है, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत अच्छा गार्ड डॉग है ये, और अपने मालिक के लिए बहुत पागल रहता है, और उसको सिक्योरिटी देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डोबरमैन के साथ। अब बात करते हैं कि किस किस को डोबरमैन रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। देखो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक पपी अपने घर में लेकर आओगे तो आपको पता होना चाहिए ब्रीड कैसी है। अगर तो आप एक ट्रू डॉग लवर हो और आपको चाहिए कि मैं उसे घुमाऊँ फिराऊँ 2-3 घंटे दिन के मैं उसे दूँ, तो आप किसी भी जगह पर डोबरमैन रख सकते हो, अपने फ्लैट में रह सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। अगर आपका बड़ा घर है तो और भी अच्छा है, और अगर आपका फार्म हाउस है जैसे हमारे फार्म हाउस पे है डोबरमैन, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, फार्म हाउस के लिए तो बेस्ट डॉग है ये। दोस्तों इस डॉग को फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, घूमना फिरना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप इसको टाइम दे सकते हैं, आप डेडिकेटेड एक डॉग के लिए, आप उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्रीड है ये। अगर आप टाइम नहीं दे सकते डॉग को और आप चाहते हैं कि बस स्टोरबाजी के लिए मैं डोबरमैन ले आऊँ, तो प्लीज़ इस ब्रीड के साथ मत जाना, क्योंकि काफ़ी एनर्जेटिक ब्रीड है, इसको वर्कआउट चाहिए ही चाहिए डेली का। हमारी टीना की ये 2 साल की है और उसने पहली बार बच्चे दिए हैं, बड़े काफ़ी प्यारे बच्चे दिए हैं ये। और अगर किसी को भी डोबरमैन के पपीज़ चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हो। इनकी जो लोकेशन है वो अमरोहा उत्तर प्रदेश की है, गजरौला जगह पड़ती है वहाँ की है, पर दिल्ली तक भी अवेलेबल हो जाएंगे ये पपीज़। और अभी सिर्फ हमारे पास 3 पपीज़ ही हैं, एक ब्राउन में और 2 ब्लैक में, और मेल पपीज़ हैं सिर्फ। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो हमारे डोरमेंट्स के बारे में। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।